जय हिंद दोस्तों, मैं रे आप सभी का स्वागत करता हूं अचीव CAPF पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़पेपर के बारे में। हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है और आखिर क्या समस्याएं हैं जो बच्चा एक न्यूज़पेपर पढ़ते समय फेस करता है। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मैंने देखा है, नोटिस किया है, ज़्यादातर बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं वो दो चीज़ों से रिलेटेड रहते हैं। न्यूज़पेपर में अक्सर बच्चे जो सबसे ज़्यादा परेशानी जो फेस करते हैं, सबसे बड़ी परेशानी होती है टाइम की, टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी परेशान करता है। बच्चों का कहना है कि उन्हें अराउंड 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। अब देखिए, इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आखिर देखो, समझने की कोशिश करो कि एक बच्चे को 2 से 3 घंटे या फिर ज़्यादा समय क्यों लगता है किसी भी चीज़ को पढ़ने या समझने में। उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पहली चीज़, वो कुछ इररिलेवेंट चीज़ों को भी पढ़ रहा हो रिलेवेंट चीज़ों के साथ साथ। अब अगर इररिलेवेंट चीज़ भी वो पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली समय तो ज़्यादा लगेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर जो है, मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है। हमारे जो चैनल है अचीव CAPF पर, वहाँ पर मैं आपको डेली न्यूज़पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं, जो एक न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ पढ़नी है, आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए, उनको पढ़िए। तो देखिए, आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ और इररिलेवेंट न्यूज़ में फंस जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है न्यूज़पेपर का वो खींच देगा, ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सिर्फ रिलेवेंट न्यूज़ को पढ़िए, और इसमें हम लोग आपकी मदद कर ही रहे हैं। हम मॉर्निंग में आपको डेली द हिंदू भी एंड इंडियन एक्सप्रेस, दोनों की जो न्यूज़ हैं वो आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, टाइम लगने का एक और रीज़न होता है, जो दूसरा रीज़न है वो है आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी रीडिंग कैपेसिटी एंड किसी चीज़ को पढ़ने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लेट से आ रही है। आप एक ही रीडिंग में समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको दो रीडिंग, कभी कभी 3 और 4 भी रीडिंग कर लेनी पड़ रही हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो कोई वन डे प्रोसेस नहीं है। आपको जो है इसमें ग्रेजुअली ही धीरे धीरे आपको इसके जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड होगा, ये आपको महसूस होगा धीरे धीरे जब आप समय देंगे। जब आप डेली न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी हो सकता है कि एक एडिटोरियल को पढ़ने में आपको 2 या 3 रीडिंग लग जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, बट एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि आप उसको एक ही रीडिंग में, सिंपल एक रीडिंग में आपको गो थ्रू करें और वो सब समझ में आ जाए आपको, तो वहाँ पर भी टाइम बचेगा। बट वो टाइम कैसे बचेगा, वहाँ थोड़ा समय लगेगा, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो उसका आपको इंतज़ार करना होगा। और रिलेवेंट और इररिलेवेंट ये हम आपको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये जो टाइम है उसको बचाने की कोशिश करो। ओके, तो पहला ये जो इशू है टाइम से रिलेटेड वो हमने डील कर लिया। अब एक और जो बच्चों को मेजर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं वो आती है क्योंकि बच्चे इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर पा रहे हैं उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा कि सर, अभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं न्यूज़ पढ़ ले रहा हूँ पर मैं उसको अपने एग्ज़ाम से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका जो ज़रूरत है मेरे एग्ज़ाम में, मैं उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाऊँ जो न्यूज़ है। तो ये जो सेशन आज हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका मकसद यही है। देखो, आपको लगता है कि आपने एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी एंड वो वहीं ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक न्यूज़ पढ़ते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, तो उस न्यूज़ की एंड करने के बाद आपका एक्चुअल जो काम है वो शुरू होता है। जब आप एक न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं और एंड में आप उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद अपने पेपर टू के अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं, तब वो न्यूज़ आपको एक्चुअल में काम आती है। अब आपने न्यूज़ पढ़ ली, ठीक है, वो आप भूल गए, बट अभी तक आपने उसको उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग तो नहीं की ना। और जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, आप उस न्यूज़ को पढ़ के अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसको जो है डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक वो न्यूज़ आपके किसी काम की नहीं है। और ये चीज़ आप इस सेशन में देखेंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरा देखें, ध्यान से देखें,
ये हमारे युद्ध अभ्यास बैच का हमारी जो न्यूज़पेपर सीरीज़ है, हम बच्चों को वहाँ समझा रहे हैं कि कैसे न्यूज़पेपर को यूटिलाइज़ करना है आपके पेपर टू में, तो उसका एक पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक आप इस वीडियो से वो लेसन सीख सकें। तो सत्यम सर आगे आपको उस चीज़ के बारे में उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? डे बाय डे स्ट्रेंथ इज गेटिंग डाउन, नो इश्यूज। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज न्यूज़पेपर रीडिंग पे बात होने वाली है और आगे चल के, आगे 1 वीक तक जो ये बात चलेगी, आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा कि न्यूज़पेपर को डील कैसे करना है, उसमें से क्या पढ़ना है, क्या निकालना है। हालांकि लास्ट सेशन में हमने बात की थी, पर बहुत बच्चों के मैसेजेज आए हुए थे कि सर फिर से करा दिया जाए, या बहुत लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। और वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कॉमन सी बात है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने डिसाइड किया कि आगे आने वाले 1 वीक तक जो है हम इस पर बात करेंगे। अभी जब तक बात चल रही है कोई मैसेज नहीं करेगा, बाद में हम आपको बताएंगे, जब क्वेरी के लिए बोलेंगे तभी मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ध्यान जो है वो भटक जाता है और फिर बात छूट जाती है। या तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि एक राइटअप लिख के बैठा जाए और फिर मैकेनिकल तरीके से बात की जाए, तो वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो ये, दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आफ्टर 5 PM सबमिट कर रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि आगे से कॉपी चेक नहीं होगी। इफ़ यू हैव सबमिटेड आफ्टर 5 PM, योर कॉपीज विल नॉट बी इवेल्यूएटेड एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड दैट शुड बी क्लियर टू यू। बी डिसिप्लिन एंड बी पंक्चुअल, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू आर फ्यूचर ऑफिसर्स, राइट? सो बिहेव लाइक दैट। ठीक है, आप डिसिप्लिन ही नहीं है, पंक्चुअल ही नहीं है। अभी तो आपको टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही आपको पूरा राइटअप एक पूरा ऐसे लिखने को दिया जाता है। स्टिल ये मत कीजिए, आपका नुकसान है। और सही बताऊं तो ये सब जितना कुछ आपको करवाया जा रहा है, ये राइटअप, छोटे छोटे राइटअप, दो दो पैराग्राफ, तीन तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ लिखवाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और जो भी बच्चे पहले कहीं ना कहीं कोर्स तो किए ही होंगे, है ना, जो रिपीट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये काम कहीं नहीं करवाया जाता है। ठीक है, आपको एक राइटअप दिया जाए और लिखवाया जाए, एक काउंट करके वो नंबर देते हैं कि इतनी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और वो टेस्ट सीरीज फिर आपको करनी है। सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक, प्लीज़ इस बात की रेस्पेक्ट कीजिए। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप ग्रेटफुल हो मेरे लिए, पर एटलीस्ट रेस्पेक्ट दिस। ठीक है, ओवर एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग मतलब अलग धुन में चल रहे हैं, उनका ये है कि अभी मैं उनका सब कुछ करा दूं। यार आराम आराम चलिए, आप यूपीएससी से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम न्यूज़पेपर अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। पहले इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे, उसके बाद हिंदू देखेंगे। ये है आज का इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन। अब देखिए, कल ही आपको मैंने दिया था टॉपिक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसके पहले कुछ बच्चों को स्टोरी यूज करना आता है, जैसे कि कीर्ति कीर्ति ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे लिखा था, ऐसे नितेश ने लिखा था। तो उन दोनों ने एक स्टोरी यूज की थी राजस्थान की, और वहां से स्टार्ट किया था। अब सेम तरीके से एक स्टोरी आपको ये भी मिल गई। ठीक है, ये स्टोरी आपको मिल गई कि यूपी में एक दलित बॉय को टीचर ने इतना ज्यादा पीटा कि वो ठीक है, वो नहीं रहा। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये पॉलिटिकल न्यूज है, नहीं देखना है पॉलिटिकल न्यूज, नहीं देखना पॉलिटिकल न्यूज, नहीं देखना।
नहीं देखना है। ये न्यूज़ आपके बस उसी काम की है कि आपने स्टोरी वहां से स्टार्ट कर ली, ठीक है, कि रिसेंटली द सेट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन अ रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ यूपी वेयर अ दलित बॉय वॉज बीटन अप बाई टीचर सो मच सो एक्स वाई जेड, उसके बाद आपने ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद नीचे आपने उसी पैराग्राफ में एक लाइन ऐड कर दी, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लेट अस डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कनेक्ट हो गया ये स्टोरी से, वो ऐसे का टॉपिक कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको डील करना होता है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, एडवर्टीजमेंट कौन पढ़ता होगा, पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ काम का नहीं है आपके। ओके आगे बढ़ते हैं, ये सब एडवर्टीजमेंट का पेज है तो नहीं पढ़ना है। अब डेंगू केसेस जो है वो राइज पे हैं, ये दिल्ली की बात होगी, हाँ दिल्ली की बात है, ठीक है, कैपिटल रीजन की। तो डेंगू केसेस राइज पे हैं, ये आपके वैसे काम का नहीं है, बस डेंगू जान लीजिए पेपर अपने वन के लिए, ये जान लीजिए कि डेंगू वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, क्या है, पैरासाइटिक है, ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ये सुकेश वाला मैटर चल रहा है, ओके काम का नहीं है। ये भी काम का नहीं है, काम का नहीं है। ये जेएनयू से रिलेटेड है ऑब्वियसली, जेएनयू से रिलेटेड कोई भी न्यूज बहुत रेयर ही काम की होगी। पॉलिटिकल वर्डिंग है ये, इलेक्शन कंपेनिंग चल रही होगी, वहीं पे हुआ होगा, है ना, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं ना, वहीं पे ये कंपेनिंग के दौरान जो स्टेटमेंट आया होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे। पॉलिटिकल ये सब एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट राजस्थान में क्राइसिस चल रही है, ये एडवर्टीजमेंट है। ये एडवर्टीजमेंट है, ये आपका काम का नहीं है। ये सब आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है। देखिए ये न्यूज़ मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखी है कि अभी आपके पेपर में जो 2022 का पेपर हुआ है, उसमें आर्गुमेंट में एक पूछा गया था ऑनलाइन गेमिंग से, एक टॉपिक पूछा गया था, तो वहां पे आप जो काउंटर आर्गुमेंट दे रहे थे, एक तो सपोर्ट में आर्गुमेंट दे रहे होंगे कि हाँ ऑनलाइन गेमिंग क्यों अच्छी है हमारे लिए, है ना, कुछ ऐसा, और एक काउंटर आर्गुमेंट दे रहे थे। तो काउंटर आर्गुमेंट में आप ये यूज कर सकते हैं स्टेट्स जो है कंटिन्यूअसली वो ट्राई कर रही हैं कि गेमिंग का जो इफेक्ट है, जैसे कि अगर आपको पता हो तो गेमिंग को WHO ने, गेमिंग इसको WHO ने मेंटल डिसऑर्डर में डाल रखा है, कि लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल पे गेमिंग नहीं, एक होता होगा कुछ पैरामीटर उनका। तो अब अगर अगर आप लोग अवेयर होंगे, अगर जानते होंगे, अपनी किसी पहचान में जानते होंगे, तो अब तो इसके लिए मतलब वो दवाएं वगैरह भी चलने लगी हैं, बच्चे को गेमिंग का रोग लग गया है तो उसकी दवाई कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, ही इज मेंटली अनस्टेबल वगैरह वगैरह। तो वहां पे एज अ एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं कि स्टेट क्या क्या स्टेप्स अपनी तरफ से ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक डाल सकते हैं कि रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ तमिलनाडु वेयर ऑर्डिनेंस वॉज ब्रॉट अप टू कंट्रोल दी और टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, है ना। तो बस इसलिए यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल जो है वो कैसे काम आ जाएगा, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, बस पढ़ते समय ये आपको कॉन्शियस रहना है
कि मैं चीजें कैसे यूज कर सकता हूँ अपने लिए। अब ये न्यूज इसके अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इतना ही था है ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अपार्ट फ्रॉम दिस जुडिशरी इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स, राइट। तो यहाँ पे दिया भी गया है हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहेंगे तो। ये काम का नहीं है, ये पॉलिटिकल न्यूज है। अब देखिए ये न्यूज है, इसमें हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्पल ग्रोअर्स हैं कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो मोर और लेस टूरिज्म बेस्ड है आइदर, और इसके अलावा जो फ्रूट्स पे बेस्ड है स्पेशली एप्पल्स पे, 10,000 करोड़ के आसपास का इनका बिजनेस होता है पर ईयर, है ना। तो उसमें हुआ क्या है कि लॉजिस्टिक्स जो है वो दुरुस्त नहीं है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, आपने आपने खेत में अनाज उगाया, अब उसको ले जाने के लिए पता लगा रास्ता ही नहीं है, रोड्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, या उसको रखने के लिए वो अनाज जो आपने उगाया वो खराब होने लगेगा थोड़े टाइम बाद। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कहीं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए नियर बाई। तो ये पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स का, फ्रॉम फार्म टू मार्केट जो भी चीजें बीच में आती हैं, रोड्स, फिर ये आपका जो फैसिलिटी अभी बात की रखने के लिए, तो स्टोरेज फैसिलिटी है ना, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो आती हैं आपके लॉजिस्टिक्स में। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो इंडिया का इतना पुअर है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत डाउन है। अगर आपको डेटा दिया जाए रफली ऐसा बोल सकते हैं कि 12-14% ऑफ GDP इंडिया का खर्च हो जाता है लॉजिस्टिक्स में। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें चाइना का, तो 8% to 10% ऑफ GDP वो लॉजिस्टिक सेक्टर में लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ की चीजें हमको महंगी पड़ जाती हैं। तो ये अब उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव कर दिया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा आर्गुमेंट आपको दे दिया जाए कि सपोर्ट में और अगेंस्ट आर्गुमेंट लिखिए, या ऐसा आपको ऐसे दे दिया जाए, तो वहां पे आप ये दिखा सकते हैं कि डिस्पाइट बम्पर क्रॉप एंड डिमांड इज ऑल्सो हाई। अभी आप जैसे मैं दिल्ली का रेट बताता हूँ, आपको 100 रुपीज पर केजी एप्पल मिलेंगे, तो डिमांड इज ऑल्सो हाई, स्टिल ये केस बन रहा है कि फार्मर्स को अपने एप्पल्स को फेंकना पड़ रहा है, जो फार्म प्रोड्यूसर है उन्हें वो फेंकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बस वही ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि वो चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम थी, वो बोल रहे हैं उनकी प्रॉब्लम थी। ये एक छोटी सी न्यूज है, अगर आप इसको एज अ एग्जाम्पल यूज करना चाहेंगे तो आप यूज कर लेंगे। थोड़ी सी स्मार्टनेस भी चाहिए यहाँ पे कि लॉजिस्टिक सेक्टर ना इम्प्रूव होने की वजह से फार्मर्स को क्या झेलना पड़ रहा है नुकसान। तो वहां पे एक एग्जाम्पल की द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ एप्पल ग्रोअर्स इन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, तो वहां पे आपने डाल दिया, अच्छा लुक देता है बस, और क्या, इससे ज्यादा वो काम का है नहीं। ये आपका चल रहा है काउंसलिंग, पीबीएस ग्रुप की प्रेमा श्रीनिवासन जी वो अब नहीं रही। इसरत केस अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि रोज न्यूज़पेपर में आता है तो आपको भी लगता होगा कि क्या आ रहा है, एग्जाम से कोई इसका लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद रेन से आजकल पूरे इंडिया में जो है, ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ही तो है कि सितंबर जो है वो खत्म होने वाला है, फिर भी रेन्स नहीं स्टॉप हो रही है। यहाँ दिल्ली में तो पूरे रोड पे पानी भर गया था, ड्रेनेज की फैसिलिटी जो है, इसीलिए बोलते हैं जो जो प्लान्ड सिटीज होती हैं। अभी इसी के कंपैरिजन में आप रख दीजिए चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज ऑफ इंडिया, वहां पे देखिए ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली प्लान्ड सिटी है ही नहीं डिस्पाइट बीइंग द कैपिटल, एंड डिस्पाइट बीइंग कि मॉनसून यहाँ पे 22% कम हुआ, मतलब जो वर्षा होनी थी रेन होनी थी, कल आपने देखा था न्यूज में, इसके बाद भी यहाँ पे जो है वाटर लॉगिंग की समस्या है।
और ये दिल्ली में ही नहीं है, दिल्ली एनसीआर रीजन में, एनसीआर में फिर यूपी के भी पार्ट्स आ गए जैसे कि गाजियाबाद और ये सब। ये होता है प्लान्ड और अनप्लान्ड सिटी में डिफरेंस। एक पेपर पे नोट कर लीजिए कि प्लान्ड सिटीज क्या होती हैं और अनप्लान्ड सिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि प्लानिंग जरूरी है। जब भी अर्बन फ्लड्स पे ऐसे आएगा तो ये एग्जाम्पल्स आप देंगे, जैसे इसके पहले देखिए अभी दिल्ली फ्लड्स का एग्जाम्पल आपने देख लिया, दिल्ली एनसीआर रीजन में जो फ्लडिंग की सिचुएशन हुई न्यूज में एक्सटेंसिवली कवर हुआ। इसके पहले आपके पास क्या एग्जाम्पल था, बेंगलुरु फ्लड्स, जहां पे टेक बिलियनियर्स जो हैं वो भी तैर रहे थे पानी में, है ना। तो ये आप, अब आपको दो एग्जाम्पल मिल गए कोट करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था, तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस न्यूज में बस इतना ही काम का है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, तो कैसे टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है वो जुडिशरी भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कर रही है, कैसे इंडिया डिजिटली जो है प्रोग्रेस कर रहा है, डिजिटल पेनिट्रेशन जो है इंडिया में कैसे बढ़ रहा है, तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बढ़ रहा है। उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जुडिशरी ने भी अब शुरू कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग। और कहीं ना कहीं जब आपको ऐसा लिखना होगा ना, देखिए जब आपको ऐसा लिखना होगा, मान लीजिए ऐसा कोई कंट्रोवर्सियल सा टॉपिक आ जाए, और बिल्कुल आने के चांसेस हैं, कि कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट तो सब पूछेंगे, व्हाट हैव बीन द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड, दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड, ये टॉपिक लिखिए और इसके बारे में आप 4, 5, 10 पॉइंट जितने भी मिले एक बार देखिएगा। उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है ना बिफोर कोविड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान दे नहीं रही थी, कहीं ना कहीं मतलब हड़बड़बाजी में बोल सकते हैं, आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है जुडिशरी ने शुरू कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग और ये डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसकी वजह से कितने ज्यादा मतलब बेनिफिट्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार क्या होता है कि जब हियरिंग होती है ना, और जो अक्यूज है अब उसको जेल से लाना है कोर्ट रूम तक, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहां पे बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, पहला। दूसरा, रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व, भाई कुछ भी हो सकता है। तीसरा, इसके बाद भी हो सकता है ऐसा कि जो अक्यूज है ना वो वहां पे असहज, जैसे एग्जाम्पल के लिए केस किसी टाइम रख दिया गया है ना, और कई बार ये होता है कि उस समय वो असहज है या कुछ ऐसा वाला सिचुएशन, ट्रेवलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सब चीजों को नेगलेक्ट करने के लिए जो प्रेशर बनता है ना कि मैं मीडिया में आ रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट रूम में जाने का रास्ता तो भाई क्लियर होता है, वहां पे मीडिया पर्सन होते हैं, आप हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल देखो ऐसा, अभी कल ही जो जैकलिन फर्नांडिस है उनका केस चल रहा है सुकेश कॉनमैन वाला, है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो आपके काम का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए, मीडिया से बचाने के लिए, उन्होंने जो लॉयर्स जो जिस जिस ड्रेस को पहनते हैं वही ड्रेस उन्होंने पहन ली। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो प्रेशर क्रिएट होता है एक कैदी को जेल से कोर्ट रूम तक लाने में, इन सारी समस्याओं का हल है डिजिटल हो जाना, सीधे जेल अथॉरिटीज जो है उन्होंने कनेक्ट कर दिया कोर्ट रूम से, हियरिंग हो गई, काम खत्म, कोई रिस्क नहीं। इसके साथ साथ जो स्टेट एक्सपेंडिचर है वो भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जो जो सिक्योरिटी लगती है, जो इतनी फैसिलिटीज मिलती है, कहाँ से जाता है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से जाता है ना, फिर वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होगा, जैसे कि रोड्स बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे। अब आपको लग रहा होगा तो बहुत छोटी सी बात आप बता रहे हैं, इतनी सी छोटी सी बात से कैसे रोड बन जाएगी, कैसे क्या हो जाएगा, ये एक केस की बात है, ऐसे एक दिन में हजारों लाखों केस होते रहते हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कोविड के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए, उसमें से एक कि डिजिटल पेनिट्रेशन जो है वो इंडिया में बढ़ा है, इवन इन केस ऑफ जुडिशियल हियरिंग्स और जुडिशरी, अब ये सब किसी काम के नहीं है। अब ये सी राधा मोहन जी का आर्टिकल है, बहुत नामी गिरामी राइटर हैं और ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी दिलचस्पी है तो इनको पढ़ा कीजिए, अगर नहीं दिलचस्पी है तो मत पढ़ा कीजिए,
पर मैं फिर भी बोलूंगा कि आप पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा यार इंटरेस्ट रखो, है ना। मे भी ये बहुत ज्यादा काम का ना हो आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट एक जनरेट कर, मतलब यार अच्छा लगे आपको ना काम करने में। अब ऐसा ना लगे कि मतलब आप बस किसी तरीके से खींच रहे हैं, थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाएंगे तो अच्छा भी लगेगा वो। तो इन्होंने रशिया के बारे में जो है वो, रशिया और यूरोप पे जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसका इम्पैक्ट जो है उसके बारे में सी राधा मोहन जी ने डील किया हुआ है। ये एनालिसिस है, प्रॉपर एनालिसिस है आपके काम की, वैसे तो पेपर में नहीं होने वाली है, वैसे आपके काम के पेपर में नहीं होने वाली है, पर जानकारी के लिए, मतलब एक दिमाग में आपके पास एक लार्जर पिक्चर क्रिएट रहनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपके साथ एक दिन हमारी क्लास होगी, वो क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी, तो ब्रॉडली मैं आपको ये समझाने की कोशिश भी करूंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो काम कैसे करती है। आखिर सऊदी अरेबिया और ईरान का ये क्या मैटर है, फिर ईरान और इसराइल का क्या चल रहा है, इसके बाद सऊदी इसराइल का क्या चल रहा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है उसका, फिर वेस्ट का मिडिल ईस्ट से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके बाद फिर फ्रांस, फ्रांस का क्या रोल है, जर्मनी का क्या रोल है, ब्रिटेन का क्या रोल है, रशिया और यूएस की इतनी खटपट क्यों है अभी अभी के टाइम पे और हमेशा से रही है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट रशियन इकोनॉमी इज नॉट यू नो अप टू द मार्क टू सस्टेन एनी वर्ल्ड वॉर, स्टिल क्या प्रॉब्लम क्या है ये रशिया यूएस की, और इंडिया या बाकी कंट्रीज उसमें बीच में क्यों आ रही हैं, फिर चाइना के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का जब टॉपिक हम लेंगे उसके पहले एक ब्रॉड लेवल पे जो रिलीजन वाइज जो एक पॉलिटिक्स चल रही थी अभी तक, रिलीजन के बेसिस पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती थी, जैसे कि सऊदी अरेबिया सुन्नी पॉपुलेटेड कंट्री है और ईरान जो है शिया पॉपुलेटेड कंट्री है, मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी दो दो समझ लीजिए ग्रुप होते हैं। तो अब शिया जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि सुन्नी जो हैं, अभी इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो हम उसमें नहीं जाते हैं रिलीजन में क्या है, पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा जाए तो ईरान जो है वो लीड करना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड को और सऊदी अरेबिया लीड करना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड को, तो दोनों में खटपट है। अब इसमें सारा बात घूम घुमा के यहाँ आ जाता है कि शियाज लीड करेंगे या सुन्नी लीड करेंगे, क्योंकि सुन्नी जो होते हैं वो शियाज को कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा इंफीरियर मानते हैं, कुछ ऐसा है, एक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अलावा फिर रेंज ऑफ इशूज हैं तो उसको हम उस समय डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स समझ में आने लगेगी, अगर अभी नहीं समझ में आ रही है, ऐसे जब इंटरेस्टिंग आर्टिकल आए करें ना, मैकेनिकल मत बनिए, मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक रहिए अपनी पढ़ाई में। अब ये कैपिटल पनिशमेंट पे डिबेट चल रही है, अब आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्गुमेंट में कि शुड कैपिटल पनिशमेंट बी देयर। अब आपको आर्गुमेंट में सपोर्ट में और काउंटर आर्गुमेंट में लिखना है, ठीक है। तो इसमें ये काम आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ रहे हैं, जैसे लार्जली बाय एंड लार्ज जो है सुप्रीम कोर्ट का व्यू ऐसा है कि जहां तक कोशिश हो सके, जहां तक हो सके वहां कैपिटल पनिशमेंट को मतलब वो रास्ता अपनाया ही ना जाए जुडिशरी के थ्रू। आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ, है ना, मतलब वहां पे काम भी करवाते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो होता है वहां पे आपसे काम भी करवाते हैं, जो पिक्चरों में आपने मूवीज में देखा हुआ होगा कि पत्थर तोड़ रहे हैं वो होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पार्ट। नॉर्मली जब आपको इम्प्रिजन किया जाता है तो आपको कोई काम नहीं करवाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। पर अभी जो 2021 का आई थिंक डेटा आया है तो वहां पे 121 है आई थिंक नंबर, तो वो मतलब 121 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू करने का सोचा है कि इस पे एक ब्रॉडली एक सेट पैरामीटर्स बनाया जाए, क्योंकि अभी क्या है कि इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड कर रहा है कौन सा कोर्ट कैसे इंटरप्रिट कर रहा है ना, उस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है बायसनेस आ जा रही है, वो सारी चीजें हट पाए इसके लिए, और ये आपके लिए आर्गुमेंट का टॉपिक हो सकता है ना। तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, आप पेन एंड पेपर लिए भी होंगे, एक बार सर्च करके देखिए,
कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंडिया में दो डिबेट चल रही है, दोनों से रेलेवेंट पॉइंट उठाइए, बन गया आपका आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट, हिंदू विक्टिम हुड जो है आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। बस पेपर वन के लिए अगर आपको जानना है तो उड़ीसा ओडेसा पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, बस इतना जान लीजिए, बाकी काम का नहीं है। पेपर टू के लिए तो किसी काम का नहीं है। ये नासा का जो डार्ट मिशन था आपके लिए, पेपर वन के लिए काम का है कि जो डार्ट मिशन है वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या हाल में ही अभी ये जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट टेस्ट किया गया है, हु हैज कंडक्टेड दी रिसेंटली हेल्ड एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट टेस्ट, तो ये नासा का है। बेसिकली अगर आपको पता होगा तो जो एस्ट्रॉयड्स आते हैं जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, उससे अगर वो अर्थ पे आ जाएंगे, वैसे तो अर्थ का जो आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर का, इलेक्ट्रिकली इतना चार्ज है कि कोई भी जो थिंग्स हैं जैसे कि ये एस्ट्रॉयड हुआ या कोई मान लीजिए स्पेसशिप है, ठीक है, अगर वो भी इंटर कर रही है तो वो बर्न हो जाती है कम्प्लीटली। स्टिल ये इतने लार्ज होते हैं कि अगर ये जल भी जाएंगे तो इनका जो कोर है ना वो भी अगर अर्थ पे आके गिरा, उसका भी अगर इम्पैक्ट हुआ, वो खुद की साइज में इतना बड़ा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा जो ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो जाएगा। उससे बचने के लिए अब ऐसा सिमिलर मिशन जो है यूरोप भी ट्राई कर रहा है। तो अब आप ये सर्च करेंगे कि सिमिलरली इसी के लाइंस पे यूरोप का कौन सा मिशन है, उसका नाम क्या है। पेपर वन के लिए आपके काम का हो गया। देखिए ये तो इंडिया में, उस दिन मैं गन गन कल्चर की बात कर रहा था, इन जनरल अगर आपको गन कल्चर केवल टॉपिक मिलेगा तो एक एग्जांपल आपको यहाँ है कि रशिया में अभी मास शूटिंग हुई है। नॉर्मली हम यूएस से लेते हैं गन कल्चर, पर देखिए रशिया में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, आप में से किसी ने फ्रांस में कोट किया था, इसके पहले फ्रांस में भी इंसिडेंसेस हुए हैं गन जो ये मास शूटिंग का है, ये भी आप कोट कर सकते थे। ये हमने कल बात की थी कि वर्ल्ड ओवर राइटिज्म का जो है वो ग्रोथ हो रहा है। इटली में इनकी सरकार आने वाली है, जॉर्जिया मेलोनी की, ये राइटिस्ट हैं। अब राइटिज्म की जो फिलॉसफी होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए है बस। अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको जाना है राइटिज्म ये लेफ्टिज्म ये होता क्या है, न्यूज की डिबेट चलती रहती है, एक बार देख लेना है। ये आपके काम की स्टोरी नहीं है क्योंकि आप बना नहीं पाएंगे फिलहाल इसे, तो अभी अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए। अब जो विडन कोविड पैंडेमिक को बता रहे हैं ओवर, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, कुछ ना कुछ वो चलता रहता है उनका। देखिए इस आर्टिकल को मैंने, इन सारे आर्टिकल्स को तो कट किया है, इसको नहीं कट किया है, ये आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है लगभग। पर जानने के लिए अगर आप जान पाए तो दाऊदी वोरा कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स में, तो वो कुछ कुछ प्रैक्टिस जो है फॉलो करते हैं, उसी के बारे में आर्टिकल है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए अपनी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम्पल्स जब भी आपको रखने होते हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैकेनिकल तरीके से, जब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के लिए एक पीडीएफ मैं मंथली आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे सितंबर मंथ का मैं अभी आपको कुछ दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो हुआ मैकेनिकल तरीका। अब जो ऑर्गेनिक तरीका है एग्जाम्पल्स को कहीं से भी उठा लेने का, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में ना, एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं आता कि मैंने नोट्स में वो पढ़ा था, फिर वो नेचुरली आपके दिमाग में कुछ कुछ क्लिक करता रहता है ना, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ही बन सकता है, अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनेगा, कैसा पॉइंट लिख रहे हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसके बारे में आप अपने पेपर वन के लिए देख लेंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या क्या है, करंटली कौन कौन से बैंक्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में है, ये आपके काम का नहीं है, ये डेटा आपके काम का है नहीं, कुछ ज्यादा ही है। अब यहाँ पे मैंने टिक लगा रखा है नाविक, नाविक इंडिया का इंडिजीनियस सैटेलाइट सिस्टम है, तो आपको नाविक के बारे में
गूगल करना है, विकिपीडिया कर लेना है, कितने सैटेलाइट्स हैं नाविक में, कौन कौन से ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी में है या किस में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ये आ सकता है, किस ईयर में लॉन्च हुआ था, ये पेपर वन का है ना, तो देख लीजिएगा। प्रैक्टिकली हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो मोबाइल कंपनीज को फोर्स कर रही है, क्या फोर्स कर रही है कि जो फोन्स इंडिया में आप लाइए उसमें अब गूगल का जीपीएस के अलावा नाविक का भी सिस्टम होना चाहिए, हमारा इंडिजिनियस भी होना चाहिए हर फोन में। इससे क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, अभी ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, कंपलसरी नहीं किया गया है, बट गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही है, तो अब वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बोल रहे हैं, मतलब उनको एक कंसर्न हो गया कि अब उनको अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी उसके लिए आर्टिकल, तो आपके लिए काम का वो नहीं है, वो न्यूज भी काम की नहीं है, ठीक है। इन जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि कैसे जो हमारा स्पेस बेस्ड सर्विसेज हैं उसमें भी हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि नाविक जो है वो मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन्स में जो इंडिया में बिक रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। पर इसके अलावा पेपर वन में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, नाविक कब लॉन्च हुआ, कितने सैटेलाइट्स हैं, कौन से ऑर्बिट में है, एक जानकारी आपको मिलेगी, अभी काम का नहीं है, ये सब तो आप जानते ही हैं, जिसकी जो राशि हो पढ़ लिया करो, सुबह सुबह दिन भर परेशान रहा करो इसी में, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मत पढ़ा कीजिए। छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, स्काई दीप्ति शर्मा, बस खत्म, टॉरिक्स कफ सिरप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ आज का न्यूज़पेपर, ये था इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन, इतना ही न्यूज़ आपके काम का था, गिन के 4 से 5 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इससे ज़्यादा आपके काम का है ही नहीं। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 to 2 hours टू 2.5 hours लग जा रहे हैं, जब आप आर्टिकल्स को इस तरीके से सेग्रीगेट कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, देन ये प्रॉब्लम रहती नहीं है, आप कितना भी स्लो पढ़ते हो फिर भी आप पढ़ लेंगे 1 घंटे में, चलो 1.5 घंटे में, एंड दैट इज ओके, राइट। आपको ये लगे कि मैं स्टार्टिंग से ही आधे घंटे 15 मिनट में न्यूज़पेपर कंप्लीट कर दूंगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये था इंडियन एक्सप्रेस, अब आते हैं हिंदू पे। ये हिंदू का दिल्ली एडिशन है, द हिंदू का मोबाइल फोन का एड है, यही ये है कैपिटलिज्म, ये एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म है। अब देखिए कैसे कंटेंट निकालने वाला कैसे निकाल लेगा, ऐसे ही निकाल लेगा बस, सिंपल। रोज आप क्या देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, पहले ही पेज पे आपको क्या मिल रहा है, न्यूज़ नहीं मिल रही है आपको, एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, चाहे वो सिविल सर्विस की कोचिंग का हो, चाहे वो जेई मेंस जेई एडवांस की कोचिंग का हो, नीट की प्रिपरेशन का हो, या ऐसे मोबाइल फोन्स का हो। तो कैपिटलिज्म का ये इम्पैक्ट है कि कितने डीप लेवल तक कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट, ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि जब कोई कंटेंट निकालना चाहता है ना, कहीं से भी उठा लेता है, कैपिटलिज्म के ऊपर कोई टॉपिक मिला उसने दिखा दिया कि कैपिटलिज्म, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, तो उसने दिखा दिया कि नाउ डेज, फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज वी कैन सी दैट फर्स्ट पेपर ऑफ यू नो पेपर न्यूज पेपर इज फ्लडेड विद एन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट न्यूज पेपर्स आर मेनली टारगेटेड टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग न्यूज टू द पब्लिक। लो निकल गया ना कंटेंट, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब आपके अंदर क्यूरोसिटी होती है ना, कहीं से कुछ भी उठा लेंगे आप, आंख और कान खुले रखिए, है ना। तो ये मोबाइल फोन का था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है,
अब आ जाते हैं, ये पहला पेज है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, यहाँ पे ये कह लो ठीक है गवर्नमेंट है लग रहा है या भी जाएगी। ये देखिए ये एग्जांपल यहाँ पे भी आया हुआ है, हिंदू में भी एक्सप्रेस में भी दोनों जगह है। अब ये नाविक सिस्टम वाला ये भी है, अभी आपको बताया तो आपको इसमें से देखना क्या है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि इसमें इन्होंने दे रखा है कि स्मार्टफोन जैंस जो है उनको दिक्कत हो रही है ना। ओके फिर ये सारा एडवर्टीजमेंट छोटा छोटा न्यूज पॉलिटिकल न्यूज है, किसी काम का नहीं है। तो आपको देखने पे लगेगा कि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है पर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो जस्टिस हैं ये रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड जस्टिस हैं तो हमारे लिए किसी काम का है नहीं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से बचना है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि EWS रिजर्वेशन पर आपको आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट दे दिया गया और आपने इन जस्टिस का नाम लेके और रख दिया कि वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया है, पॉलिटिकल न्यूज है आपके काम की नहीं है। अब ये आर्टिकल मैंने कट इसलिए किया है, आपको पढ़ना चाहिए आप अपनी जानकारी के लिए, पर इसमें कुछ कुछ टर्म्स है ना वो यूज किए गए हैं जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे या जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे, वो उतना आपके काम का था नहीं इसलिए मैंने कट कर रखा है। ठीक है तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको इफेक्टिवली CAPF में हल्के टॉपिक्स जैसे कि ये, और यही देख के आज हमने आपको ऐसे का टॉपिक भी दे रखा है तो यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया कैसे डायमेंशंस को देखते हैं, एक जब जब भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं ना तो आप फिर कुछ बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पढ़ना है एडिटोरियल, एट मोस्ट यही बताया जा सकता है जैसे कि बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, ये जो है यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्हीं का आर्टिकल है जी किशन रेड्डी जी का, ये दिखा रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर में स्टेट के थ्रू यानी कि इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि टूरिज्म जो है फ्लरिश कर पाए इंडिया में, क्योंकि टूरिज्म के पास पोटेंशियल बहुत है एम्प्लॉयमेंट एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है डेटा, डेटा आपको नहीं लिखना है बस पढ़ लेना है जानकारी के लिए। अच्छा इतना पोटेंशियल है, थोड़ा क्यूरियस होके पढ़ा कीजिए ना तो चीजें अच्छी लगेंगी आपको। अच्छा इतना पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर में, ओह ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है धर्मशाला डिक्लेरेशन का, क्या है इसमें, इन द डिक्लेरेशन टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज कम अप विद अ स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान टू इनकरेज मोर इंडियंस टू ट्रेवल डोमेस्टिकली। उससे एक फायदा दूसरा क्या हो जाएगा, उसके साथ ही साथ दूसरा एक फायदा हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये एक यूनिटी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ये बाई प्रोडक्ट है इसका जो धर्मशाला डेकोरेशन है, इसका बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब टारगेटेड इस तरफ नहीं है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करना है, पर ये उसका भी काम करेगा। अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ये टारगेटेड है, मतलब ये टारगेटेड अप्रोच है गवर्नमेंट की। इसका जो एक बाई प्रोडक्ट है जो आपको फायदे में मिल जाएगा बिना कहे बिना टारगेट किए, वो ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बताया, इन्होंने आर्टिकल में अपने बताया कि जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ है टूरिज्म सेक्टर पे हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। तो इन्होंने बताया कि हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो लॉन्च की है 50,000 करोड़ की, उस पर फिर उन्होंने बताया, आगे आप पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने बताया और क्या किया, तो थर्ड इन्होंने बताया कि नेशनल टूरिज्म पॉलिसी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है उसके बारे में इन्होंने बताया कि टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए, उसका सपोर्ट किया जाए वगैरह वगैरह चीजें उन्होंने बताई। फिर उसके बाद बताया कि और हम क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम टूरिज्म को सस्टेनेबल तरीके से वो प्रोग्रेस कर पाए, ऐसा नहीं मतलब टूरिज्म
को आप बढ़ावा देते चले गए, उसके साथ सफाई का आपने ध्यान ही नहीं रखा, कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं बनाया। तो कलेक्टिवली एक सेक्टर को एज अ होल देखना कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो, वहां पे सफाई का भी हो, सैनिटेशन भी हो, हेल्थ की भी फैसिलिटीज ठीक ठाक हो, तो सस्टेनेबल तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने महात्मा गांधी, वो सॉरी गांधी तो ओ सॉरी गौतम जो गांधी यहाँ पे कोट किया हुआ है, ये ऐसे लिखने का एक तरीका हो सकता है। यही सब चीजें आपको सीखनी रहती हैं, ये आपको मैकेनिकल तरीके से कभी सीख के नहीं आएगा। ये क्या है, ये है ऐसे, अगर ऐसे के तरीके देखना चाहें तो ये ऐसे है, अगर इसे आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट के तरीके देखना चाहें तो वो भी है। ये दिखा रहे हैं क्योंकि इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि टूरिज्म सेक्टर से तो इतनी जॉब चली गई वगैरह वगैरह, तो ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने देखो ये काम किया है, ये सॉर्ट ऑफ ऐसे भी है। अब ये बता रहे हैं कि फिर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जो ड्राफ्ट स्टेज में है अभी, मतलब ये है कि पॉलिसी का जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो बना लिया गया है, कोई भी पॉलिसी बनती है ना तो पब्लिक डोमेन में आती है डिस्कशन के लिए। अब उसमें क्या होता है कि हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता, आपको भी नहीं पता चलता होगा, आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया है। अदरवाइज जिस भी मिनिस्ट्री की पॉलिसी होती है, जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री की पॉलिसी, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ये ड्राफ्ट स्टेज में है, वहां पे कमेंट करने का ऑप्शन भी होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस, आपकी तरफ से क्या सजेशंस है ना। तो जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भेजते हैं अपने सजेशंस। तो उस पॉलिसी में क्या क्या प्रोविजंस किए गए ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये इन्होंने 4 पॉइंट्स में बता दिया कि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है ना। ठीक, अब मैंने आपसे क्या पूछा है, टूरिज्म एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड, कुछ ऐसे करके टॉपिक है आपको मिला हुआ है, जो तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड आप बताएंगे, उसके आगे जब ऐड करेंगे ना कि ये तो इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद एक पैराग्राफ में लास्ट में आप ऐड कर देंगे कि इम्पैक्ट तो ठीक है, हाउ एवर गवर्नमेंट इज टेकिंग यू नो सर्टेन स्टेप्स टू रिवाइटलाइज द टूरिज्म सेक्टर, वहां पे आप बता सकते हैं कि ये किया गया। फिर प्रोडक्शन, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट हमने बहुत शॉर्ट में दे रखी है, बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है, तो आप कॉमा लगा के बताते चले गए, अब एक एक एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इसमें ये हो रहा है उसमें ये हो रहा है। तो आपने कॉमा लगाया, नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी 2022, उसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, फिर उसके बाद आपने बताया कि धर्मशाला डिक्लेरेशन, फिर उसने आपने उसमें आपने बताया कि नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन, 4 आपने बता दिए, अच्छा है, बढ़िया हो गया काम आपका। तो ऐसे ही आपको पढ़ना होता है, डायमेंशन जो निकालने होते हैं। अब ये जो नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके बारे में ये आर्टिकल है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं जरूरत है। सॉरी स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये काम का नहीं है। ये कोहली के बारे में है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो ये सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में है। अब आप लोगों ने पेपर वन के लिए पढ़ाई होगा, करंट अफेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं अगर, तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लॉन्च की है। उस समय अगर यहाँ पे तो डॉलर्स में दिखा लिखा है, इंडियन फिगर्स में जो था वो था ₹76,000 करोड़, तो मोटा मोटी रफली वो $10 बिलियन के आसपास उस टाइम पे था, अभी तो वो $10 बिलियन से नीचे आ जाएगा। तो वो लॉन्च किया था ताकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो सके इंडिया में। इस समय जो कार्स में जो है चिप की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हो रही है, वहां पे चिप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल गाड़ियों से, तो डिमांड जो है बहुत हाई है। और सबसे बड़ा मार्केट जो कैप्चर करके रखा है, मतलब ये आयरनी है कि वो इतनी छोटी सी कंट्री और उसने सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है, सेकंड नंबर पे चाइना है, देन यूएस, देन यू नो अदर कंट्रीज आर देयर, वो है ताइवान, यहाँ पे दिया गया होगा कहीं पे ताइवान के बारे में, ठीक है। तो चिप यहाँ पे मास मास प्रोडक्शन होता है चिप्स का, लेकिन एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहना, क्या ये ठीक है? तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, देख लीजिए। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में अभी बात हुई,
फिर हेल्थ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, आयुष्मान भारत और काफी सारे उसमें वो है, हेल्थ में ही फार्मास्यूटिकल भी आ जाता है बाय द वे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखिए जो रोड्स रोड्स वगैरह हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, कितनी तेजी से काम चल रहा है। और अभी एक जब गालवान क्लैश हुआ था तो आई थिंक वो एक मेट्रो का प्रोजेक्ट था, चाइनीज कंपनी को था, वो कैंसिल कर दिया गया था और वो दे दिया गया था किसी इंडियन कंपनी को। तो अब हम इंडियन कंपनीज को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है ना। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत। वैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए आपको समझ में आना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और प्रॉब्लम क्यों है। और गवर्नमेंट का जो जो ये इनिशिएटिव है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इस आर्टिकल में डील किया गया है बेनिफिट क्या हो रहा है, और इसके साथ ये भी बताया गया चैलेंज क्या है। चैलेंज देखिए ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आर्टिकल अभी लाइन बाई लाइन पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक प्लांट सेटअप करने में सेमीकंडक्टर का जो खर्चा आता है वो $3 billion to $7 billion आता है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो वाटर की प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है चिप मेकिंग ऑल्सो रिक्वायर्स गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर इन अ सिंगल डे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्या टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के बीच में, कि आपको जैसे तमिलनाडु में प्लांट सेटअप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर तमिलनाडु का ही कोई रीजन है जहां पे आपको सूखे जैसी स्थिति है, तमिलनाडु के इंटीरियर एरियाज में वहां पे पीने के लिए पानी नहीं है, और आप अल्ट्रा प्योर वाटर यहाँ पे यूज करेंगे चिप मेकिंग में, और वो गैलेंस गैलेंस में है। ये एक जानकारी के लिए आपकी एक आर्टिकल, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, दो चार पॉइंट मिल जाएंगे, पर वही तो अलग बनाते हैं दूसरों से। चलिए अब ये स्टेट फ्यूनरल है, न्यूज आपके काम की नहीं है। लैंडस्लाइड, अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, टॉपिक देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो इक्वल नहीं होता है सभी कम्युनिटीज पे। यही आर्टिकल डील कर रहा है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है ना उसको ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और इन्होंने क्या दिखाया है उसको प्रूव करने के लिए एक केस स्टडी दिखाई है केरल में जो लैंडस्लाइड हुआ था इस जगह पे, वहां पे एक केस स्टडी दिखाई है कैसे गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से रिलक्टेंट होती है या लेथार्जी शो करती है, कि जो उनका जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह शायद ये दिया गया है कि गवर्नमेंट डज बेयर मिनिमम करते हैं वो, जैसे कि इस एग्जांपल के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुई थी, यहाँ पे हुआ ये था कि जब लैंडस्लाइड हो गई सारा पूरा, मतलब वहां पे मलबे में लोग दब गए या बहुत सारा उसमें नुकसान हुआ, जब वहां पे रिहैबिलिटेशन चल रहा था, ठीक है, तब पता लगा कि टॉप ब्रास के पास न्यूज पहुंच रही है। इसके बाद इन्होंने अपनी स्टडी में यह भी दिखाया कि देखो अगले ही दिन एक क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश, और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, है ना। तो कैसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो डिजास्टर्स के टाइम पे अलग अलग इम्पैक्ट करती हैं, मतलब डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा से अगर आप आते हैं तो आपके साथ जो बिहेवियर है लोगों का ही नहीं इवन गवर्नमेंट का भी वो भी अलग हो जाता है। ये आर्टिकल शो करने की कोशिश कर रहा है डिजास्टर से रिलेटेड, जब आपके पास कोई ऐसे या कोई टॉपिक आएगा, आर्गुमेंट आएगा, तो वहां पे सपोर्ट या अगेंस्ट में आप ये डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट जो है इस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम ये केस स्टडी डाल देंगे कि यहाँ पे जो है स्टेट ने दो तरीके से बिहेव किया केरल में, है ना। तो वही एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है आपके। पॉलिटिक्स 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 तो एडवर्टीजमेंट है, ये मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत होती है। ओके, ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है, काम का नहीं है ये तो। ऑब्वियसली वो मर्डर केस हुआ है अंकिता का, तो इसके अच्छा ये आप पढ़ सकते हैं।
स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, ये जस्टिस यू ललित हैं, ये इस समय करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये जो स्टेप्स ले रहे हैं यूजीसी में रिफॉर्म के, बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानिए ना, कोई जरूरी है कि अभी अब निकालने वाला इसमें से निकाल लेगा, इसमें से भी वो निकाल लेगा कुछ ना कुछ काम का। तो मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी आदत डालिए ना तो आपको आदत पड़ जाएगी और अच्छा लगेगा। बहुत बच्चे ये शिकायत करते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं होता, थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बनाइए ना तो कैसे नहीं मन होगा, मन होगा। अब ये रशिया में जो मास शूटिंग हुई है, नियो फासिज्म, नाम का नहीं है ये, एक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वर्ल्ड ओवर, उनको जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है, इंडिया में भी कुछ रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अभी मैरिज का उनको नहीं मिला हुआ है, मैरिज नहीं कर सकते वो, मतलब लीगली जो है वो पेपर पे जो है वो लीगल जो है इंडियन स्टेट जो है अभी वो एक्सेप्ट नहीं करता सेम सेक्स मैरिज को। तो वहां पे एक एग्जाम्पल ये है कि क्यूबा ने एक्सेप्ट कर लिया, इवन क्यूबा जैसी कंट्री ने। ओके आगे चलते हैं। सेंसेक्स आपके काम का है नहीं अंटिल अनलेस आप कोई इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। रुपी का स्लाइड हो रहा है आपको उस दिन, कल शायद हमने डिस्कस किया था कि मेजरली क्यों हो रहा है। आप आपका काम है, आपके लिए होमवर्क ये है कि पेपर वन के लिए आप देखेंगे FPIs क्या होते हैं, पहला। दूसरा, ये इंडिया में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्या विदाउट रजिस्ट्रेशन ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे जान लीजिए कि शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है सेबी से, सेबी इज मार्केट रेगुलेटर, ठीक। तो क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विदाउट रजिस्ट्रेशन इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में या नहीं, पहले तो आपको ये जानना है। अगर कर सकते हैं तो कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा टूल है जिसके थ्रू, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, जानकारी के लिए, ठीक। और ये आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पेपर वन में आराम से पूछा जा सकता है कि हु आर द FPIs, सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया गया था GST पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जब प्रीवियस ईयर कुछ ये आप अलग अलग क्वेरीज आती रहती हैं, जब आप अलग अलग क्वेरीज पूछते हैं ना, देखिए क्या है, थोड़ा सा आप अपना सेंस अगर यूज करेंगे ना, चीजें आराम से आपको समझ में आएंगी। 2022 में आपसे पूछ लिया गया कि GST के बारे में आपसे पूछ लिया गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जब प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रहे हैं तो आपने GST से रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या किया, तुरंत गूगल किया, सर्च कर लिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। अच्छा, इंडिया से बाहर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आप में से तो बहुत लोग जो हैं, आपके यहाँ कुछ लोग कुछ कुछ ऐसा काम करते होंगे, GST नंबर ले रखा होगा, उन्हीं से आके पूछो कि भैया वो जो पैसा जो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट करके कुछ पैसा वापस मिलता है क्या, बताएंगे आपको। ज्यादा जानकारी नहीं होगी, एटलीस्ट बताएंगे तो हाँ कुछ कुछ तो मिलता है, ठीक है। ये काम करनी है, काम करनी है। फिर उसके बाद आ गया स्पोर्ट्स सेक्शन, T20 का मैच हुआ था, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो मेनली ये स्पोर्ट्स सेक्शन जो है आपके काम का नहीं है अंटिल अनलेस कोई अच्छी सी स्टोरी आए या कुछ ऐसा जो बड़ा न्यूज हो जाए, कोई कप, कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ न्यूज़पेपर, ये इंडियन एक्सप्रेस था, ये हिंदू था। आई होप कि आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग रहा होगा कि न्यूज़पेपर को देखते कैसे हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। और आप, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से, ठीक है, भी स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर,
तो आप किसी भी तरीके से जो है, आप किसी भी तरीके से जो है एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट निकालना आता है, कंटेंट निकालना अगर आपको आता है न्यूज़पेपर से या अपने सराउंडिंग से तो आप कर ले जाएंगे। बस ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट आपको डेवलप करना है और यही जरूरी है, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के लिए कि मुझे ये, जब भी आप ऐसे आसपास कुछ बात कर रहे हो, अपने दोस्तों में ही बात कर रहे हो, बातों में एक वजन रखिए, एक अथॉरिटी रखिए, कि बोलते समय आपने ऐड कर दिया, वहां से कनेक्ट कर दिया, इस बैकग्राउंड में ये देखो ये चीजें चल रही हैं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट है ना। ये एटीट्यूड जब आप डेवलप कर लेंगे ना, न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस लेते हैं, आप लोग चाहें तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सर वो जो आपने कहा था सर, ये सेम सेक्स मैरिज वाला है सर, सर उसमें आर्गुमेंट भी बन सकता है कि इंडिया को ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेम सेक्स में। हाँ बिल्कुल बन सकता है, और वहां पे आप सपोर्ट में आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वहां पे एक क्यूबा का एग्जांपल डाल देंगे कि देखो अभी क्यूबा में मिला हुआ है। ये सर उसके बेनिफिट्स भी जो मतलब ये आएगा, हाँ मतलब सर बाकी ये भी जब उसका पूरा आ जाएगा कि क्या क्या देना चाहिए, मतलब बेनिफिट्स में पॉजिटिव एस्पेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। मेरी किताबें रखी है सीट पे ही, अगर रहना तो भाई मना कर देना कि ना उठाए। हाँ पंकज नहीं उठाएंगे आपकी किताबें। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, और अदरवाइज आप अपने आप को म्यूट रखिए, हमने अपनी तरफ से अनम्यूट किया है आपको। सर ऐसे के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कोई बुक नहीं है, हम ही आपको बताएंगे, परेशान मत होइए। ये न्यूज़पेपर का ये जो सेशन चलेगा, वीक लॉन्ग सेशन, इसको कंप्लीट होते ही आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, डिफरेंट जो थीम्स आपको दिए गए थे उस पे, उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे का क्या है, आर्गुमेंट का क्या है सिस्टम पूरा, रिपोर्ट राइटिंग प्रेसी का सब कुछ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बताया जाए उस पे इम्प्रूवमेंट करते रहिए, बस इतना ही करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी वन एल्स? हाउ टू इम्प्रूव सेंटेंस फॉर्मेशन इन एसे? सूर्या, सेंटेंस फॉर्मेशन का क्या है ना यार, कि वो न्यूज़पेपर से ही आएगा। इसके लिए अगर आपको मैं बोलूं कि कोई एक नया, मैं आपको चमत्कार वाला कुछ चीज बता दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और वहीं से आप एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक मिनट रहिए इसी पे, ठीक है? अभी आपको हम दिखाते हैं, ओके, न्यूज़पेपर में हम आपको फिर से दिखाते हैं कैसे सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग को हम देख सकते हैं, मतलब यहां से कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बोल तो देता हूं बार बार पर शायद आप समझ नहीं पाते हैं। सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करना है, लिखने का तरीका, बहुत छोटी छोटी चीजें, जब भी आप देखा कि जैसे बहुत बच्चों का, आप में से बहुत बच्चों को ना कॉमा की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक? अभी जैसे मैंने अभी ये आर्टिकल अभी पढ़ा नहीं है, तो मैंने क्या किया कि कहीं में मैंने जूम कर दिया, अब देखिए ये मेरे सामने आ गया, देखो यहीं से मैं सीख सकता हूँ छोटी छोटी चीजें। जैसे कॉमा की आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है ना, देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, लायम्स कॉमा अबाउट 80 to 90 years ओल्ड कॉमा वर बिल्ड व्हेन द प्लांट, कॉमा का यूज आपने पढ़ लिया, मतलब आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि कॉमा का यूज कैसे होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ भाई कॉमा को यूज कैसे करते हैं, ठीक? उसके बाद क्या है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो ये आप छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं, ओके? ये हुआ एक तरीका अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको देखने का। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, आप में से बहुत लोग वॉयल का, मैंने दो तीन लोगों की कॉपी में सही किया है, वॉयल का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। ये देखिए सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए ये पैरा कनेक्ट किया गया है इससे इससे, कि गवर्नमेंट ने इतना इतना इन्वेस्टमेंट जो है प्रोवाइड करा रही है, यहाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वाइल पैरा चेंज हुआ और इन्होंने फिर
कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए व्हाइल का यूज कर लिया। ऐसे ही फिर मैंने आपको बताया था कि हाउएवर, मोरओवर, बहुत सारी चीजें हैं ना, उसका भी यूज आपको इसी में दिखता रहेगा कहीं ना कहीं। बस ऐसे रोज आपको देखना है। देखिए लिखने का तरीका, देखिए ये आपको सीखना है, मतलब खुद से ही सीखना पड़ेगा। इसका कोई नोट्स बना के कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता। एनालिस चाहिए, मोटा हो गया ज्यादा, ओके। एनालिस कॉमा वाइल पॉजिटिव कॉमा आर कंसर्न्ड दैट नॉट मच ऑफ द करंट स्कीम आउटले वुड बी लेफ्ट टू सपोर्ट एक्स वाई जेड, वो आपने सीख लिया। इसके अलावा अब देखिए, आप में से बहुत लोगों ने ये भी मिस्टेक की हुई कि अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड रिपोर्ट्स, और अब यहाँ देखिए ये सीखने लायक चीजें हैं, मतलब बहुत छोटी सी चीज है पर आपने सीख ली। इसके बाद आपको कॉमा लगाना होता है। कुछ बच्चों ने ये, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मैसेज किया हुआ था सर कॉमा लगाना, कॉमा लगाना हम आपको कैसे बता देंगे, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, हम आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, ग्रामर तो आपको खुद ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी। देखिए अब आपने, इन्होंने क्या किया कि यहां तक एक स्टोरी बताई और फिर पैरा चेंज किया, पर पैरा चेंज किया तो इन्होंने पीछे से कनेक्ट रखा कि कट टू 1965, मतलब यहां तक जो मैंने बात की और बीच में जो रह गया उसको छोड़ दो, अब सीधे 1965 पे आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, दो पैरा को अभी भी कनेक्शन एक बिठाए रखा है पैरा का, और पैरा भी चेंज कर दिया है। छोटी छोटी चीजें, अब आपको ये देखना है कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ अपने साथ, किसी भी एसे में, किसी भी टॉपिक में कैसे यूज कर सकता हूँ, ये आपको देखना है ना। ऐसे ही तो सीखा जाता है। और कुछ देखते हैं जो काम का हो। देखिए ये लिखने का, अभी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, लिखने का एक तरीका है क्या, गाइडिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड प्रमोटिंग सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म इन लाइन विद आर सिविलाइजेशनल ethos। इनको बताना एक चीज था सिंपल सा, क्या, नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन, और उसको कहां कहां से कनेक्ट किया, अपने सिविलाइजेशनल ethos से कनेक्ट किया, गौतम बुद्धा से कनेक्ट किया, गांधी जी से कनेक्ट किया, और उसके बाद ये बताया कि इसलिए हमने ये लॉन्च किया। मतलब एक पॉइंट को बताने के लिए इन्होंने कहां कहां से कनेक्शन रख दिया। ये ऐसे ही तो है, कैसे सीखेंगे, ऐसे ही तो सीखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए चीजों को तो ये अपने आप आ जाएगा कि अच्छा सेंटेंस धीरे धीरे बनने लगेगा। तुरंत तो नहीं बनेगा, धीरे धीरे बन जाएगा। मुझे लगता है आज का सेशन एंड कर देना ज्यादा सही है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है। थैंक यू विकास, थैंक यू। देखिए बिगनर्स के लिए तो करना है, जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो टेस्ट रख के लोग कर रहे हैं, कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, है ना, तो हमें तो आप ही के लिए करना है सर। जैसे हमारा वो आपने दिया था इंडिया प्रॉमिसिंग कंट्री टू वर्ल्ड, तो उसमें सर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया था कि रसिया के टुवर्ड्स इंडिया हमेशा इंक्लाइन सेंटेंस देता है, तो वो सर आपने गलत बताया था, तो ऐसे ही सर बिल्कुल 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 सुनिए इस तरह के नेगेटिव। विकास जी आप बोल रहे हैं ना, पवन सर, पवन सिंह, पवन, अच्छा सॉरी, तो विकास ने भी कुछ ऐसा कहीं एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा हुआ था, वहां पे हमने शायद करेक्शन किया था। पवन जी आपने जो स्टेटमेंट लिखा था ना वो पॉलिटिकली जो है वो करेक्ट नहीं है, वो आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है। जब भी आप कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो आपको इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड लेना पड़ता है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड कभी ये नहीं है कि मैं रशिया की तरफ टिल्टेड हूँ, हम रशिया की तरफ टिल्टेड हैं। ओके सर, इंडिया इज ऑलवेज टिल्टेड टुवर्ड्स पीस। ओके सर, तो यही सर, मतलब ऐसा ही कुछ और, मतलब कहाँ कहाँ ये सब ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए तो बताए थे। एक्सट्रीम सेंटेंसेस जो है वो अवॉइड कीजिए। ओके सर, जब तक आप क्लैरिटी आपको ना हो। कभी आपने प्राइम मिनिस्टर को बात करते सुना, कभी फॉरेन मिनिस्टर को आपने बात करते सुना कि वी आर टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया? राइट सर, नहीं सुना, नहीं सुना। वो जो आप बोल रहे हैं वो कोडेड लैंग्वेज में है कि कहीं ना कहीं हमारा टिल्ट दिख रहा है, पर ऑफिशियली तो हम नहीं है ना। यस सर, कभी ये मत लिखिएगा, ठीक है। यस सर, राइट सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, वेलकम। रिसेंटली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीस साइड पे। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ठीक है। मुझे
मुझे लगता है कि अब आपके क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं सेशन को एंड करता हूँ. ठीक है? ओके, ठीक है. गुड नाइट आप सभी को. और जो है थोड़ा सा अपने ऊपर काम देखिए करने की ज़रूरत होती है ना, मतलब वो स्पून फीडिंग जो होती है ना वो हो नहीं पाती है. कितना भी कोशिश कर लीजिए कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है. मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, सीखना आप ही को है. जितना हमसे हो सकता है हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कराएं, पर अल्टीमेटली आप ही को सीखना है. और सीखने वाला जो है वो अपने आँख खुली रखता है, वो कहीं से भी कुछ भी निकाल के कोट कर देता है. तो ये आदत डालिए, मतलब ये हैबिट डालिए थोड़ी थोड़ी. ठीक है? ओके, गुड नाइट एवरीवन. जय हिंद.